एक मित्र ने पूछा है, आलस्य क्या है? देखो, आलस्य, सक्रियता, ये सारी जो भी बातें हैं ये हमारे इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग नैसर्गिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होते हैं और कुछ लोग नैसर्गिक रूप से कम सक्रिय होते हैं। आम तौर से समाज में जो कम सक्रिय लोग हैं उनको हम आलसी की तरह देखने लगते हैं, लेकिन जो आलस्य है इसका अगर हम मेंटल इंटरप्रिटेशन हटा दें तो कोई समस्या नहीं है, जीवन की नैसर्गिक स्थितियां हैं। लेकिन हमारी जो मानसिक अवरोध की स्थितियां हैं वो आलस्य जैसी हमको दिखाई पड़ती हैं। प्राकृतिक अवरोध कोई नहीं है, वो तो नेचुरल है, लेकिन मानसिक रूप से कई बार हम तमाम चीज़ों को करने ना करने या उनके उलझन में घिर जाते हैं। अगर हम जीव जगत में देखें, पशुओं को देखें, तो कुछ पशु बहुत सक्रिय हैं, बहुत तेज़ दौड़ने वाले हैं, कुछ हैं जो उतनी तेज़ नहीं दौड़ सकते, कम दौड़ते हैं, उनकी की स्पीड उतनी नहीं है। मनुष्य एक ऐसी घटना है जिसमें सारी वैरायटी है, यहाँ पर सारी भिन्नता है, उसमें जितनी भी हम कल्पना कर सकते हैं भिन्नता की वो सारी की सारी है। तो कुछ लोग बहुत ही सक्रिय दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे, तो उनकी आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, उससे समस्या खड़ी हो जाती है। कुछ लोगों की नींद कम होती है, कुछ की नींद ज़्यादा होती है, कुछ संतुलित नींद में होते हैं, तो हमको उनको वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। बस विश्लेषण उस बात का होना चाहिए कि जो घटनाक्रम है वो किसी मानसिक समस्या से तो नहीं पैदा हो गया है, कोई ऐसा मेंटल ब्लॉक या मेंटल डिविएशन यानी कि मानसिक विचलन या मानसिक जो अवरोध है वो तो नहीं पैदा हुआ है। वो नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अंदर डिप्रेसिव एटीट्यूड पैदा हो गया हो, डिप्रेशन की स्थितियां बन गई हों, तो बहुत संभव है कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी बहुत मंद हो जाए, सक्रियता उसकी जाती रहे, तो उस घटनाक्रम को हम आलस्य की तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। कई ऐसे केसेज होते हैं जिसमें अगर व्यक्ति के ऊपर डिप्रेशन का या और तमाम तरह के मानसिक जो अवरोध हैं या ब्लॉकेज हैं उनका प्रभाव होता है तो व्यक्ति का शरीर भी काम करना बंद करने लगता है। लेकिन इन बातों को समझकर, ठीक से सलाह लेकर, चिकित्सा के साथ उनको ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति अपनी सामान्य अवस्था में आ सकता है। इसके अलावा अगर मानसिक समस्या के अलावा शारीरिक ढांचा किसी का और गतिविधि किसी भी तरह की है तो उसको हमें इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए और किसी को हमें आदर्श भी नहीं बनाना चाहिए। समाज में अक्सर हम लोग उन लोगों को ही बहुत सम्मान देते हैं जो बहुत सक्रिय होते हैं। अब कोई 4 घंटे सोता है तो लोग लगता है कि नहीं, 4 घंटे सोना चाहिए, कोई बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन ये लोग नॉर्म नहीं बनते। औसतन तो देखिए वैज्ञानिक रूप से हम जानते ही हैं 6 से 8 घंटे की नींद व्यक्ति को चाहिए ही होती है, तो ये एवरेज है, एवरेज में कम ज़्यादा भी हो सकता है कभी। अब अगर कोई 6 से 8 घंटे की नींद लेता है तो उसको आलसी तो नहीं कहेंगे। अब 8 घंटे भी बिल्कुल नॉर्म नहीं है, कहीं पे थोड़ा सा 9 भी हो सकता है, लेकिन अब कोई बहुत ज़्यादा अगर सोता रहता है या पड़ा रहता है तो हमको देखना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई शारीरिक मानसिक रुग्णता का असर हो सकता है, बीमारी का असर हो सकता है। अन्यथा तो जो वैज्ञानिक रूप से तय औसत है उसमें ही चीज़ें चलेंगी। और अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग असर होगा। हमको इन बातों से हटके जीवन की गुणवत्ता को देखना है कि जीवन में व्यक्ति के समझ, शांति, प्रसन्नता कितनी है और अपने जीवन को जीने में वो कितनी सहजता अनुभव करता है।
फिर चाहे वो आलसी हो चाहे बहुत सक्रिय हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मूल बात यही है कि तुम जीवन की गुणवत्ता को कैसे विकसित करते हो, और अगर किसी किस्म का रुग्णता का असर है तो जीवन की गुणवत्ता तो प्रभावित होगी, तब हमको उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अन्यथा जो नैसर्गिक भेद है उसको पूरे सम्मान से स्वीकार करिए और अपने जीवन में चलते रहिए।